अब देखो, आय हाय हाय, आय हाय, क्या बात है। तो यार बहुत बहुत वेलकम है तुम्हारे इस मिहित गलत करने एपिसोड में। तुम देख लो मेरे सामने यहाँ पे एक गाड़ी है, वो है भाई कौन सी है ये, जरा आप बताएं। होंडा ब्रियो। होंडा की ब्रियो। अच्छा भाई देखो, होंडा ब्रियो ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मेन चीज मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी इतनी छोटी है। तुम देख लो अभी तो मैंने यार आईफोन में 0.5 कर रखा है, तो तुम्हें थोड़ी सी खिंची हुई लग रही होगी मेरी आंखों के सामने गाड़ी, हो इतनी छोटी गाड़ी लग रही है। तो भाई मुझे ना थोड़ा सा क्यूट वाला मैटर लग रहा है, ऐसा किसी तो नहीं क्यूट एकदम भाई, है ना। हाँ यार अलॉय देखो कितने सही लग रहे हैं, फुल पॉकेट रॉकेट है। फुल पॉकेट, अरे भाई भाई ने मुझे यहाँ पे टाइटल दे दिया, फुल पॉकेट रॉकेट, थैंक यू भाई। मैं यही सोचा था कि गाड़ी को क्या टाइटल दूंगा, ठीक है। तो अपने सामने देखो यहाँ पे फुल पॉकेट रॉकेट। अच्छा मेन क्या है, देखो गाड़ी के बारे में तुम्हें अभी बताऊंगा, मैं तुम लोग इच्छुक हो गए गाड़ी के जानने में, लेकिन सबसे मेन तो तुम देख लो भाई ने यहाँ पे जोकर लगा रखा है, ठीक है। तो भाई जरा मुझे बताएं कि जोकर ही क्यों भाई, बैटमैन का विलन है और बैटमैन किसको नहीं पसंद। अच्छा हर दूसरे बंदे भाई मुझे लगता है कि आपने उल्टा बोल दिया, बैटमैन नहीं जोकर किसको नहीं पसंद, बैटमैन मूवी का विलन हो गया ना। हाँ बैटमैन सबको पसंद है। ये बताओ बैटमैन आपको ज्यादा पसंद है जोकर, तब मैं आपको बताऊंगा आप जो लगवा रहे। बस भाई अपने प्रॉपर जोकर लवर, ठीक है भाई बैटमैन लवर है, ठीक है बैटमैन मूवी में जोकर है तो बैटमैन हर किसी को पसंद, लेकिन बैटमैन जोकर में कंपेयर करूं तो भाई एज ऑलवेज यार जोकर लवर है अपन भी यार, ठीक है। तो भाई कुछ रीजन आपने जोकर लगवाया, मतलब रियल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है? रियल लाइफ का नहीं, बाकी गाड़ी का शौक है, लुक्स के लिए करते हैं सारी चीजें। अच्छा लुक्स के लिए ही, इसका अलग ही लगता है यार, कॉमन नहीं है, मुश्किल से एक दो गाड़ी पे लग रहा होगा। हाँ नहीं ये तो है भाई, और थोड़ा सा भाई देख लो बदमाशों का एकदम वो लुक दे रखा है, ठीक है गन वन साथ में जोकर के, तो बदमाश हो आप भाई? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मैं अनकंफर्टेबल करता रहता हूँ भाइयों को, नहीं वो चलता रहता है। मेन क्या कि देखो इस गाड़ी में देख रहा हूँ भाई ने कुछ रैप वगैरह कुछ नहीं करवाया, ठीक है। हेडलाइट्स भी इसके स्टॉक ही हैं, एलईडी अपग्रेड है इसमें बस। अच्छा एलईडी अपग्रेड है, एलईडी लगवा रहे हैं। ओके एलईडी अपग्रेड, बाकी तुम देख लो नीचे समुराई है। ये नीचे आपने ये क्या कार्बन डिप करा रखा है? ये समुराई है, बम्पर लिप बोल देते हैं इसको, थोड़ा लुक के लिए हो जाता है। अच्छा अच्छा ओके, और साथ में भाई यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पुलिस वाली लाइटिंग है भाई, ये पहले पहले जब मैं लगा था शॉप चढ़ गया था लगवा लिया। हाँ क्योंकि उस वक्त बहुत चल रहा था ये, लगवा लिया ठीक है लगी है, लेकिन ज्यादा कुछ खास यूज नहीं करते इसमें, रोशनी ज्यादा नहीं है। अच्छा एक दूसरी आती है उसकी जगह नहीं बनती। अच्छा जी अच्छा, लेकिन तुम देख लो भाई ने तो ये करवा रखा ना, ये काफी अच्छा लुक दे रहा है यार इस पर, देख लो कितना अच्छा लुक आ रहा है। मेन तो क्या भाई इस गाड़ी के मेन है अलॉयज, देख लो कितने सही कितने सेक्सी से बोलते हैं ना अलॉय लग रहे हैं भाई। जरा इस अलॉय का बताया कौन से अलॉय है ये? 15 इंच में डीप डिश अलॉय है। अच्छा डीप डिश अलॉय में क्या होता है कि टायर चौड़े वैसे ज्यादा होते हैं, हाँ हाँ, तो बॉडी लाइन के वैसे बाहर ज्यादा आते हैं, और इसमें जैसे आप देखो नट्स तो अंदर लगते हैं, ये चीज ये एक्स्ट्रा बाहर निकलती है, नॉर्मली देखेंगे अलॉय के साथ नट रहते हैं, हाँ, एक लाइन में रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये डीप डिश में से ये है। थोड़ा इस गाड़ी का लुक थोड़ा स्ट्रीमलाइन करा हुआ है इन्हें, थोड़ी नैरो है तो उस हिसाब से लुक ज्यादा बन रही है इसमें। नहीं ये बात ना आप काफी सही बोलेगा, तुम लोगों ने अगर ध्यान दियो ये लोग इसका थोड़ा स्ट्रीम लाइन है, देखो गाड़ी थोड़ी सी स्ट्रीम लाइन पोजिशन की है, और इधर अलॉयज के बाहर निकल रहे हैं तो इसके टायर बाहर निकल रहे हैं, काफी अच्छा लुक दे रहे हैं जैसे बोलते ना, तुम लोगों ने काफी नोटिस किया होगा छोटी गाड़ी में अगर ऐसे अलॉय लगा दो तुम तो वो छोटी गाड़ी बहुत फिर भाई एकदम धांसू आती है, एग्रेसिव सही में अलग लुक, ठीक है। आओ जरा आगे से तो इसमें अलॉय इतने बाहर निकल रहे हैं, हाँ, और पीछे से कम निकल रहे हैं। अच्छा बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से। ओके तो मतलब इस तरीके से ही लगवाने चाहिए, अच्छा लुक के लिए बस, और कुछ फायदा नहीं है? अच्छा 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 चलो भाई आओ अंदर बैठते हैं, एक बार आओ अंदर बैठते हैं गाड़ी में, बाकी तुम देख लो एक बार मैं देख रहा हूँ भाई ने यहाँ पे लिखवा रखा है लाउड एंड प्राउड, बहुत बढ़िया। और ये हाँ अभी जस्टिफाई करेंगे, लेकिन तुम देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है गॉट बेस क्वेश्चन मार्क, तो भाई इधर देख लो प्रॉपर वही एज ऑलवेज पंक ऑडियो का यहाँ पे सबवूफर लगा रखा है, तो म्यूजिक सिस्टम बहुत लाउड होने वाला है अभी तुम्हें सब सुनाएंगे। आओ भाई अंदर ही बैठते हैं फिर बढ़िया से, आओ अपनी पॉकेट रॉकेट में अंदर बैठते हैं। ये देख लो भाई भाई एसी, अरे बढ़िया किया आपने यार, और कर दिया था ना एसी भाई फुल में कर दो अब तो यार। ओहो हो भाई इतनी गर्मी हो रही है, और देख लो यहाँ पे यार अपनी जी वैगन भी है, देख लो कितनी सही लग रही है। तो इन सब की वीडियोस आएंगी बारी बारी, जी वैगन तो इस बार नहीं, लेकिन जी वैगन अगली बार जरूर करूंगा मैं। चलो आओ अपनी पॉकेट रॉकेट की बात करते हैं, तो भाई जरा आप मुझे बताएं इसको आप पॉकेट रॉकेट क्यों बोलते हैं? जो इस गाड़ी में जैसे देखा है भगाने के लिए अभी रही नहीं है, हाँ अलॉय वगैरह के बाद ये थोड़ी आराम से चलने वाली है अपनी। अच्छा और बाकी जो इस सेगमेंट में इंजन वाइज छोटा इंजन है, आईवीटेक इंजन है, हाँ आईवीटेक इंजन तो चीज ही है फिर, हाँ हाँ
बाकी भगने में और कंपैरिजन करें तो मेरी तो 2012 हो गई। 2012 मॉडल है, नहीं हो गई अब तो काफी है। कितने में लिया था आपने ये? उस टाइम ली थी 5.5, मतलब 5.5 लाख की। और कितना खर्चा आ गया अभी तक? सिस्टम में हम देखें तो ऑडियो में लगभग 2.5। अच्छा, अलॉयज मिला के? अलॉयज मिला के वो 3 के अराउंड हो जाता है। मतलब 3 लाख का खर्चा आपने ऊपर से कर दिया अपनी गाड़ी में। तुम देख लो भाई, मतलब क्या बात है यार, 5-5.5 की गाड़ी है, 3 का भाई ने खर्चा ही कर दिया। तो भाई मतलब गाड़ी तो आप वैसे लेना चाहो तो बड़ी ले सकते थे, लेकिन आपकी ब्रियो पसंद थी, बड़ी ले सकते हैं। हाँ हाँ, पर जो ऑडियो का आउटपुट आएगा वो बड़ी में इतना नहीं आएगा। अच्छा, ये भी एक फैक्टर होता है। जब गाड़ी केबिन स्पेस बढ़ेगा तो हिसाब का आउटपुट आएगा। अब ये छोटी सी है। हाँ। तो इसमें फील ज्यादा होता है। ओके, तो भाई मैं तो बोलता हूँ कोई गाना लगाते हैं फिर यार। अब तुम्हें फील कराता हूँ मैं, इसका मैटर क्या है, ठीक है? तुम म्यूजिक सिस्टम फील करो। मतलब फील तो हो रहा है मुझे कि आप बेस हैवी है इसका यार। ये देखो, ये देखो कैसे कैसे चल रहा है। देखो ये देखो, अभी अभी देखना, अब देखो, ये देखो, आए है आए है ये देखो, प्रॉपर पॉकेट रॉकेट, क्या बात है। हमने इसके पूरे गेट खोल दिए और आवाज देखो कितनी ज्यादा लाउड है, कितना सही लग रहा है मैटर भाई। आसपास सबको फील हो रहा है कि हाँ भाई कहीं डीजे बज रहा है, देख लो। और इस छोटी गाड़ी में सब आवाज आ रही है, तुम फील कर पा रहे हो इस छोटी गाड़ी? तभी उसको बोलते हैं पॉकेट रॉकेट। भाई खोलो जरा एक बार। अब तुम्हें इसकी पीछे वाली ये खोल के दिखाता हूँ शीशा, कि स्पीकर में से देखना कैसी इसमें हवा निकलती है। प्रॉपर बेस आएगा इसका, अब देखना। अब देखो, आय हाय हाय आय हाय, क्या बात है। भाई देख लो इसका एक ही सब ऊपर है, ज्यादा ऊपर भी नहीं है इसमें, एक सब ऊपर, तब इसमें इफेक्ट देखो भाई। मतलब यार भाई कितने आ रहे हैं इसका? ये 1000 आ रहे हैं से। ये क्या बात कर रहे हो? चल नहीं रहा है अभी। अच्छा, प्रॉपर भाई ने यहाँ पे क्लच बहुत हल्का है इसका, क्लच हल्का है इसका। हाँ, फील तो हुआ यार अभी, काफी लाइट है। ये देख भाई, यहाँ दिखा दो प्रॉपर, ये कैमरा लगा रखा भाई, ये पहले से लगाता है क्या? नहीं नहीं भाई, ये खुद लगाया हुआ है भाई। तो इसकी क्वालिटी तो बहुत सही है यार, ये आपको कभी किसी ने कहा है? ये मैंने खुद कंपेयर करा है। काफी गाड़ी से कंपेयर करा है। ये बहुत सी क्वालिटी थी कैमरा की भाई, ये बड़ी बड़ी गाड़ी भी नहीं मिलती ऐसी क्वालिटी में, बता रहा हूँ भाई। ये जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी है जो क्लेम करती है कि इनकी कैमरे बहुत अच्छी गाड़ी के, उनकी कुछ भी नहीं है इसके सामने। क्रेटा का अच्छा है, सेल्टोस का अच्छा नहीं है। ये मैंने खुद, मेरे पास क्रेटा भी है। अच्छा, तो इसका और उसका सेम है। हाँ हाँ। रात को इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है नाइट मोड। अच्छा। में भाई यार कैमरे की क्वालिटी अगर रात में अच्छी मिल रही तो क्या ही बात है भाई, फिर तो सबसे बेस्ट है। और देखो अपने को यहाँ पे खाली स्विच मिल रहा है, जरा इसको खींच के देखते हैं, ठीक है? ये देखो, मतलब पिकअप कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन भाग सकती है। इसमें वेट मैं आपको बताऊं तो बूट के अंदर इसमें 50 kg का वेट हो चुका है। अच्छा, 33 kg की तो बैटरी है सिर्फ। अच्छा जी, वूफर का वेट 18 kg के आसपास है। हाँ हाँ। फिर बॉक्स और डैम्पिंग हो रखी है, रूफ में डैम्पिंग है, सारे डोर्स में डैम्पिंग है। अच्छा, तो भाई ये मतलब ये तो देखो हर किसी को पता ही, लेकिन जितने लोगों ने भी बताया था, अगर तुम लोग म्यूजिक सिस्टम में काम करवा रहे हो ना टॉप नॉच, तो तुम्हें फिर डैम्पिंग भी करानी पड़ती है, क्योंकि डैम्पिंग के बिना तुम सिस्टम का मजा नहीं ले पाओगे गाड़ी में, आउटपुट नहीं आती। वो फिर डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है उसमें, आवाज आती रही, कभी कोई पार्ट हिल रहा है, कभी कुछ। ये तो है। लेकिन भाई अगर मैं देखो यार इस गाड़ी बैठ के मुझे लग नहीं रहा कि मैं कोई छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका डैशबोर्ड बहुत बड़ा है। That's the point. भाई मैं वही सोचू कि कुछ मैटर है इसमें जो कि मुझे रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मुझे एक अलग सवाई दे रहा है। इसका डैशबोर्ड ज्यादा गहरा है भाई, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उधर तक है इसका डैशबोर्ड, भाई बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, देख लो। और यहाँ पे अपने आदि योगी जी सच नमन है इनको, तो काफी सही है। मतलब फील नहीं हो रहा कि मैं कोई छोटी गाड़ी को, अच्छा एकदम वाइब आ रही है, एकदम जैसे बोलते हैं ना लॉन्डो लपाटो वाली गाड़ी लग रही है प्रॉपर, है बना रखी। इस गाड़ी के कुछ 3 नेगेटिव पॉइंट। सबसे मेन तो है एवरेज। अच्छा, कितने का एवरेज है ये? अभी लोकल में इसके गर्मियों के टाइम में 8-9। अच्छा, 8-9 का? अरे, और अलॉय के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ हाँ,
मुश्किल से 0.5 का फर्क पड़ा इसमें। लेकिन 8-9 भी भाई ठीक ही है। औरों की जो है इस टाइम की वो पेट्रोल गाड़ी छोटी उनकी 14-15 के आसपास है। अच्छा छोटी गाड़ी का तो ज्यादा एवरेज अक्सर होता है 14-15 के आसपास है औरों की। अच्छा मेरी में ही नहीं है शुरू से। क्यों कुछ वजह तो होगी? शुरू से जब इसमें हमने ली थी तो अराउंड 6 साल में ये 22,000 किलोमीटर चली। अच्छा तो खड़ी रही गाड़ी। अच्छा तो फिर एवरेज इंजन कैसे होगा लेते ही खड़ी रही गाड़ी। नहीं ये जो बाकी देखो इसका हॉर्न भी काफी स्मूथ है यार, काफी मतलब हल्का है, इसको दबाने से एकदम फील हो जाता है। हां हां ऑन बढ़िया है। तो भाई ठीक है ये तो अपना पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बताएं कुछ। दूसरा एक बूट स्पेस। अच्छा मुझे चाहिए बूट लगाने के लिए। और हां हां अच्छा ये गाड़ी मैं इन दोनों यूज से निकाल दूंगा। ये यहां से निकल जाएगी गाड़ी, निकल जाएगी आराम से। और आगे वहां नहीं निकलेगी। अच्छा वहां नहीं निकलेगी तो फंस जाएगी मतलब। टायर इसके ज्यादा भार हो चुके हैं। हां हां उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा वैसे तो टेढ़ी करके निकल जाती है अगर स्टॉक टायर होते इसमें। अच्छा आओ भाई गाड़ी को जरा पीछे कर लेते हैं। ठीक है ये देखो अब यहाँ से ये हल्की पीछे हो जाएगी। और हाँ भाई कुछ और नेगेटिव पॉइंट जो बच रहे हैं इसके पीछे वाली स्पेस जो है। अच्छा साइज के हिसाब से हाँ वैसे ठीक है क्योंकि छोटी गाड़ी में इतना पीछे स्पेस कम ही होती है। भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन कम है बैठने वाले। हाँ हम दोनों इतने बड़े बड़े देख रहे हो, हम दोनों ने सीट पे चकड़ ली देख रहे हो कुछ नहीं बच रहा बंदा, बस एक बंदा वो भी छोटा नाटा सा लेट पाएगा वो भी बैठ नहीं पाएगा। और एक हमने पीछे वूफर को जैसे सीट आगे कर रखी है। मतलब भाई मैं देखता हूँ जितनी भी सिस्टम वाली गाड़ी होती है उसमें यार फिर बैठने बैठने का सिस्टम पीछे और लोगों के लिए दिक्कत आती है। वैसे ही परेशान होते हो। हाँ। नहीं ये तो यार आगे देखो मुझे ना काफी मजा आता जब मैं ऐसे कोई सिस्टम जिसमें प्रॉपर ऑडियो सिस्टम लगी होती गाड़ी मुझे ऐसे गाड़ी को रिव्यू करने मिलता ना स्वाद बोलता ना स्वाद आ जाता भाई। तो बस यार देखो ये अपनी कुछ वीडियो थी है ना, बाकी तुमने बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर तुम मुझसे पूछो भाई मुझे तो देखो अपनी पॉकेट वॉकेट ना बहुत सही लगी। और भाई तो देखो ज्यादा नेगेटिव पॉइंट बता नहीं भाई, दो ही है इसमें एवरेज का होगा बूट स्पेस और पीछे की स्पेस भी। अच्छा पीछे की स्पेस इसमें ये तो है। अच्छा आगे वाली ठीक है, आगे वाली ठीक है, बाकी ऐसी कोई शिकायत नहीं आपको अपनी गाड़ी से? ऐसे कोई नहीं, परफॉर्मेंस ठीक है गाड़ी की। हाँ कोई इशू नहीं। और इसमें ये सीसी कितना है इसका? 1200 सीसी है ये। क्या बात भाई, तभी आप इसको पॉकेट रॉकेट बोल रहे हो क्योंकि मेरी जो गाड़ी है ना XUV300 वो भी 1200 है। बाकी चलो वीडियो पेंड करता हूँ, लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना, मेन क्या अपने दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को, सबको दिखाओ कि देखो भाई दिल्ली में ऐसे कुछ सिस्टम में काम हो रहा है, ये कुछ पॉकेट रॉकेट है छोटी ब्रियो और भी काफी भाई ब्रियो वैसे मार्केट में आ गई है मॉडिफाइड है। तो आपको भाई फिर नेक्स्ट वैसे करानी है अपनी गाड़ी को? मैं अगर वैसे ही कराऊंगा तो मुझे ऑडियो का कम करना पड़ेगा। मतलब आपका मेन शौक? अच्छा ये देख लो भाई ये मेन इनका ऑडियो वाला मैटर, तो ऑडियो वाले बंदे थोड़े ऐसे होते हैं शौकीन। SPL SPL मतलब बेस वाला मामला, SQ मतलब साउंड क्वालिटी, SQ हमें पसंद नहीं है, SPL टॉप नॉच बेस होना चाहिए भाई। देख लो यार यहाँ पे ये निंजा 1000 निकल गई है भाई की, तो बहुत सारी तूफानी तूफानी मैटर तुम्हारे लिए शूट करते हैं। यार तो सब्सक्राइब करना मस्ट, बाकी चलो एंड करते वीडियो को। तो यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय साइनिंग आउट फुली गलत।